नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में पत्रकार और समाज सेवी रिजवान बावलिया ने अपनी कविता पेश की। देश में कोरोना वायरस के चलते जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से पत्रकार रिजवान बावलिया ने एक अनोखे अंदाज में व्यक्त किया। उनका ये निराला अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और रिजवान बावलिया का कहना है कि इन पंक्तियों का उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। विदिशा संवाददाता मोनिश शाह की रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी के चलते जो हालात बन गए हैं, उन पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ कि भीड़ होती है होने दो, कोई कमाल थोड़ी है, ये सब शराबी हैं, कोई जमात थोड़ी है। लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो बढ़ने दो। अब देश आज़ाद है, कोई गुलाम थोड़ी है। बीमार होते हैं कुछ लोग तो उन्हें होने दो। हमारे देश में शराब से महंगी जान थोड़ी है। भीड़ होती है होने दो, कोई कमाल थोड़ी है, ये सब शराबी हैं, कोई जमात थोड़ी है। खतरा तो उनसे है जो मीलों पैदल चल रहे हैं। ये तो सब मजदूर हैं, इनके जिस्म में जान थोड़ी है। कमाल तो ये है कि बीमारी का भी मजहब ढूंढ लिया। ये सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गंवार थोड़ी है। हिंदू मुस्लिम करके ही खत्म कर देंगे बीमारी को। इसका इलाज कोई दवाई वैक्सीन थोड़ी है। भीड़ होती है होने दो, कमाल थोड़ी है, ये सब शराबी हैं, कोई जमात थोड़ी है। जिला विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष रिजवान बावलिया जी से, ये कई दिनों से ज़रूरतमंद असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, जानते हैं उनकी राय। हमने विदिशा जिला प्रेस क्लब की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को दवाई और राशन सामग्री के लिए कॉन्टैक्ट के लिए उसमें लिखा गया था। उसी के चलते अब लोग हमें फ़ोन करते हैं तो हम अपनी तरफ से लोगों को आटा, दाल, चावल ये सब वितरित कर रहे हैं और आगे की भी ये मदद जारी रहेगी। और जो कॉन्टैक्ट फ़ोन आएंगे उनको जो है अभी हमारे लोग आपको जाके सामान किसी ने कोई हेल्प की है क्या, किसी तरह का कोई फंड दिया है क्या आपको? नहीं, अभी कहीं से कोई फंड नहीं आया है, ये सब हम अपने निजी पैसे से ही बंटवा रहे हैं। और अभी तक कितने लोगों तक आप ये राहत पहुंचा चुके हैं सामग्री? 50-60 लोगों तक पहुंच चुकी है और आगे भी हमारे पास सामग्री रखी हुई है, वितरण सामग्री। आगे ये लॉकडाउन जब भी खुलेगा, जब तक जो भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तब तक ये काम जारी रहेगा। तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को मैसेज ये है कि ऐसी मुसीबत के समय में लोग बाग अपने मोहल्ले में हर आदमी को जो सक्षम है वो कम से कम अपने मोहल्ले की निगरानी करें, अपने मोहल्ले में किसको ज़रूरत है, किसके पास राशन नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रहे और पड़ोसी की मदद करते हैं, इसलिए पड़ोसी का ध्यान रखें। आपने जो राशन बांटा है क्या ये मतलब मुस्लिमों को छोड़कर क्या अलग जो दूसरी? नहीं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो भी फ़ोन आ रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों के, जो नंबर पे या जो लोग संपर्क में बने हुए हैं, उन सबको वितरण किया जा रहा है। जी, धन्यवाद।